वेलकम फ्रेंड्स आज हम देखेंगे लाभ और हानि के बारे में तो आपको तो पता होगा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है क्रय मूल्य जो हम ख़रीदते हैं जिसको कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है साठ में सीपी बोल देते हैं और ये हो गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस साठ में एस और लाभ को क्या बोलते हैं प्रॉफिट प्रॉफिट को पी से दर्शाते हैं मान लो कोई वस्तु आप सौ रुपये में ख़रीदे हो और एक सौ बीस सौ रुपये में ख़रीदे हो और एक सौ बीस में बेच रहे हो तो बीस रुपये लाभ होगा है कि नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बीस रुपये लाभ हो रहा है विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य को क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस और क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस मतलब एस पी माइनस सी पी मतलब एक सौ बीस में आप बीस सौ घटाओगे तभी आपको पता चलेगा कि बीस रुपये प्रॉफिट हो रहा है लाभ हो रहा है इसी को ध्यान में रख के सूत्र बनाया गया है कि प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य उसी तरह से हानि कब होगा मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है सौ रुपये आप उसको नब्बे में बेच रहे हो तो अब क्या करेंगे ये क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस में जो क्रय मूल्य में क्या करेंगे सेलिंग प्राइस को घटाएंगे तभी हमको हानि प्राप्त होगा यानी सौ में ख़रीद रहे हैं नब्बे में बेच रहे हैं मतलब हमको दस रुपये हानि हो रहा है तो सौ में नब्बे घटाएंगे तभी हमको दस रुपये हानि मिलेगा तो वही लॉस लॉस को निकालने के लिए क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य ये सूत्र है अब देखो लाभ परसेंट जैसे कि मैं बताया था कोई वस्तु जो है सौ रुपये में ख़रीदा जा रहा है एक सौ बीस में बेच रहे हैं तो सौ रुपये में ख़रीदे हैं तो बीस रुपये लाभ हुआ है ना तो ये जो बीस रुपये लाभ है इस सौ का कितना परसेंट है उसको देखेंगे तो क्या करेंगे सौ का कितना है बीस इस तरह से मैं आपको बताया था है ना और सौ से गुणा करते हैं सौ का कितना है बीस वही परसेंटेज की बात आ गया तो हम सौ से गुणा कर देते हैं तो इसी को ध्यान में रखिए सूत्र बनाए देखो बीस रुपये लाभ हुआ है तो लाभ परसेंट निकाल रहे हैं हम है ना लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो लाभ को ऊपर में रख दीजिए बीस रुपये लाभ हुआ है और क्रय मूल्य जो सौ रुपये है वो क्रय मूल्य गुणा सौ तो इसी को ध्यान में रख के सूत्र बनाएंगे कि लाभ परसेंट बराबर लाभ कितना हुआ और जो क्रय मूल्य है उसका कितना परसेंट है वो वही निकाल देते हैं तो लाभ परसेंट निकल जाता है लाभ परसेंट मतलब हमको जितना लाभ हो रहा है उस क्रय मूल्य का वो कितना परसेंट है बस यही करना है उसी तरह से हानि परसेंट क्या होगा हानि परसेंट की तुलना भी उस क्रय मूल्य से करेंगे मान लो सौ रुपये क्रय मूल्य है हमको इसमें नब्बे बेचने पर इसको दस रुपये की घाटा हो रहा है तो ये जो दस रुपये हानि हो रहा है इस क्रय मूल्य का कितना परसेंट है है ना तो इस तरह से निकाल देंगे इस तरह से निकालेंगे तो हमको क्या पा जाएगा दस परसेंट आ जाएगा उसी को देखो क्रय मूल्य से ही तुलना करना है हमको लाभ परसेंट क्रय मूल्य से कितना लाभ अधिक मिला उसको परसेंटेज में बदलने के लिए सौ से गुणा करते हैं उसी तरह से हानि परसेंट में क्रय मूल्य से तुलना करना है तो क्रय मूल्य के ऊपर में हानि को रखना है कितना हानि हो रहा है और उसको सौ से मुड़ा करना है तो हमको हानि परसेंट निकल जाएगा तो ये सूत्र बहुत ही आसान है बस आपके दिमाग, दिमाग में रहना चाहिए कि हानि प्रतिशत मतलब क्रय मूल्य से कितना हानि हो रहा है तो उस क्रय मूल्य का जो हानि हो रहा है उस क्रय मूल्य का कितना परसेंट है बस यही करना है अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन देखो यहाँ पे बताया कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य पाँच सौ है छः सौ मतलब सौ में खरीद रहा है पाँच सौ में ख़रीद रहा है और छः सौ में बेच रहा है तो इसको तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं है सौ छः सौ में बेच रहा है सीधा सीधा सौ रुपये प्रॉफिट हो रहा है लाभ यहाँ हानि बता रहे तो सौ रुपये लाभ हो रहा है बिना सूत्र के निकाल सकते हो तो उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल देखो बीस रुपया क्रय मूल्य वाले चाय पत्ती के पैकेट को चौबीस में बेचते हैं तो लाभ परसेंट ज्ञात करना है अब बीस रुपये क्रय मूल्य है चौबीस में बेच रहे हैं तो हमको तो फ़ायदा पता चल गया कितना है फ़ायदा चार रुपये हो रहा है तो इस चार रुपये का तुलना इस क्रय मूल्य से ही करना है कि इस क्रय मूल्य का कितना परसेंट है लाभ परसेंट बोला है तो लाभ परसेंट का सूत्र आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है मैं बताया हूँ कि क्रय मूल्य से तुलना करना है चार रुपये लाभ हो रहा है और ये क्रय मूल्य है बीस रुपये तो इससे तुलना कर दीजिए कि इसका कितना परसेंट है बीस का कितना परसेंट है चार अब इसको बीस से कम बीस बीस पंच कर सकते हो अब चार पंचे बीस हो जाएगा इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा बीस बीस परसेंट लाभ प्रतिशत कितना होगा बीस परसेंट यहाँ लिखा गया है तो आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया देखिए किसी वस्तु को यदि एक सौ पचास में बेचते हैं तो पच्चीस परसेंट की हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य बताना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है आपको कि हम इसको कितने में बेच रहे हैं एक सौ पचास में और हानि कितना हो रहा है पच्चीस परसेंट हानि मतलब ये जो एक सौ पचास है कितना परसेंट है ये पचहत्तर परसेंट है तभी तो 25 परसेंट हो रहा है मतलब कोई भी वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है हंड्रेड परसेंट होता है हम इसको पचहत्तर परसेंट में बेच रहे हैं तभी पच्चीस परसेंट हानि हो रही है ये ध्यान में रखना है तो परसेंट में दिखाया गया है पच्चीस परसेंट हानि मतलब पचहत्तर परसेंट में बेच रहे हैं तो पचहत्तर परसेंट कितने में बेच रहे हैं डेढ़ सौ में तो पचहत्तर परसेंट बराबर हो गया डेढ़ सौ रुपये अब वस्तु का क्रय मूल्य निकालने को बोला है क्रय मूल्य कितना होता है हंड्रेड परसेंट इतना तो ही होगा तो हमको पचहत्तर परसेंट पता है डेढ़ सौ है ठीक है तो आप एक एक नियम वाला बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे नहीं आ रहा हो तो मैं बता दूंगा यहीं पे बता रहा हूँ जैसे कोई पचहत्तर परसेंट है किसी चीज़ का डेढ़ सौ तो पहले एक परसेंट निकाल लो इसका एक परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं पचहत्तर से भाग दे देंगे डेढ़ सौ को मतलब पचहत्तर परसेंट डेढ़ सौ है तो एक परसेंट निकालने के लिए इस पचहत्तर को इसके नीचे ले आइए ठीक है तो पचहत्तर से जब डिवाइड करेंगे तो डेढ़ सौ को क्या होगा पचहत्तर दोनी डेढ़ सौ होता है तो दो आ गया एक परसेंट बराबर तो सौ परसेंट बराबर निकाल सकते हो एक परसेंट बराबर दो तो सौ परसेंट बराबर कितना होगा दो गुणा सौ सौ धूनी दो सौ परसेंट मतलब दो सौ रुपये में होगा ये हंड्रेड परसेंट है ये हम रुपये में निकाल रहे हैं सौ धूनी दो सौ रुपये है ना इधर का रुपया है पचहत्तर परसेंट बराबर डेढ़ सौ रुपया एक परसेंट बराबर कितना निकला दो रुपया तो सौ परसेंट बराबर दो सौ रुपया अब ऑप्शन में देखो दो सौ कहाँ है ये है तो इस तरह से को निकालना है इसी प्रकार के कोई सूत्र की आवश्यकता नहीं है बस केवल हमको क्वेश्चन को समझना है अगला क्वेश्चन देखिए किसी वस्तु को अड़चालीस रुपये में बेचने पर बीस परसेंट की हानि हो रही है अड़चालीस रुपये में बेच रहे हैं पर बीस परसेंट हानि में हो रही है हानि हो रही है इस वस्तु पर बीस परसेंट लाभ कमाना है हमको तो विक्रय मूल्य बताना है तो देखो दुनिया भर का यहाँ पे सूत्र लगाया गया है इस तरह का सूत्र में आप भटक सकते हो लेकिन मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए बस आपको कॉमन सेंस लगाना है यहाँ पे बोला गया है कि अड़चालीस रुपये में बेच रहे हैं तो बीस परसेंट हानि हो रही है इसके पहले मैं बताया था उसी तरह से करना है बीस परसेंट हानि हो रही है मतलब इसको कितना परसेंट में बेच रहा है हंड्रेड परसेंट है कोई वस्तु उसको अस्सी परसेंट में बेच रहा है तभी तो बीस परसेंट हानि हो रहा है अस्सी परसेंट में बेच रहा है और रुपया में कितना है अड़चालीस रुपया मतलब अस्सी परसेंट बराबर अड़चालीस तो एक परसेंट बराबर अड़चालीस बटा अस्सी इसी तरह से सौ परसेंट बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे इसको सौ से गुणा कर देंगे एक परसेंट बराबर इतना तो सौ परसेंट बराबर सौ से और गुणा कर दो जीरो जीरो काट दो ठीक है आठ छक्के अड़चालीस और दस छिक्का साठ हमको मिल गया हंड्रेड परसेंट बराबर साठ अब पूछा क्या है बीस परसेंट लाभ कमाना है इसको बीस परसेंट लाभ कमाना है तो एक सौ बीस परसेंट निकालना पड़ेगा ना, है ना? तो ये तो साठ परसेंट है का तो का का और बीस निकाल सकते हो होता है का बीस बीस। बटे है कि नहीं ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो कट गया बारह मतलब में और जोड़ दो आप कितना हो जाएगा बहत्तर यहाँ आया है बहत्तर यदि आप इसको ज़्यादा झंझट समझ रहे हो तो और एक आसान तरीका बता रहा हूँ हम लोग क्या किए थे कि अस्सी परसेंट बराबर अड़चालीस तो एक परसेंट बराबर हम लोग निकाले अड़चालीस बटा अस्सी तो सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे निकाल रहे थे सौ परसेंट बराबर कितना तो इसको सौ से गुणा कर रहे थे है ना तो इस सौ के जगह पर सीधा एक सौ बीस परसेंट कर सकते हो इसको एक परसेंट बराबर अड़चालीस बटे अस्सी तो एक सौ बीस परसेंट बराबर अड़चालीस बटे अस्सी गुणा एक सौ बीस करना है तो सीधा निकल जाएगा ये देखो ज़ीरो कार्ड दिए आठ छक्के अड़चालीस और बारह छिक्का बहत्तर इस तरह से सीधा भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन देखेंगे और और बहुत ही सरल लगेगा तो आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन देखिए एक कुर्सी को दस परसेंट हानि में बेच रहे हैं और यदि इस कुर्सी को हम आठ सौ चालीस रुपये में बेचते तो इस पर चालीस परसेंट लाभ होता कुर्सी को कितने में बेचा गया ठीक है यदि बेचते बोल रहा है नहीं बेचे हैं अभी तो हमको सबसे पहले इस तरह से लाभ और हानि वाले क्वेश्चन में यदि हमको क्रय मूल्य पता चल जाता है तो सभी जो भी चीज़ निकाले निकालना बोलता है वो सब आसान हो जाता है तो आपको केवल क्रय मूल्य पे ध्यान देना है क्रय मूल्य इसका बेस है तो यहाँ पे बोला गया है दस परसेंट हानि पर बेचा जाता है लेकिन कितने पर रुपये में बेचा जाता है वो नहीं बताया है। तो हमको जो दिया गया है रुपया उसको देखना है आठ सौ चालीस रुपये में यदि बेचते यदि बोला है अभी बेच नहीं रहे हैं आठ सौ में बेचते तो कितना लाभ होता है तो सबको तो पता है कोई भी वस्तु अपने आप में हंड्रेड होता है देखो इस प्रकार से जो सूत्र दिया है पूरा भटक जाओगे इसमें आप सूत्र याद नहीं हुआ तो नहीं बनेगा यदि दूसरे की जगह दूसरा रख दिया तो नहीं बनेगा तो जो मैं बता रहा हूँ उसको देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में हंड्रेड परसेंट होता है यदि इसको चालीस परसेंट लाभ पर बेचते बोल रहे मतलब चालीस परसेंट लाभ पर बेचने पर मतलब एक सौ चालीस परसेंट में बेच रहे हैं है ना एक सौ चालीस परसेंट में बेच रहे हैं और रुपया में कितना है वो आठ सौ चालीस है ना? आठ सौ चालीस में बेचने पर चालीस परसेंट लाभ हो रहा है यानी एक सौ चालीस परसेंट है ये कौन आठ सौ चालीस तो आठ सौ चालीस कितना हो गया ये एक सौ चालीस परसेंट तो हमको एक परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं आठ सौ चालीस बटे एक सौ चालीस यदि हंड्रेड परसेंट निकालना हो तो इसमें सौ से गुड़ा कर दो है ना तो ये जीरो ये जीरो कट गया चौदह छिक्का चौरासी और इधर सौ है मतलब छः सौ हंड्रेड परसेंट कितना हो गया छः सौ मतलब छः सौ क्या है इसका क्रय मूल्य है ठीक है छः सौ क्रय मूल्य है अब देखो पूछा गया है एक कुर्सी को दस परसेंट हानि पर बेचते हैं अब इसको दस परसेंट हानि में बेच रहे हैं तो कुर्सी को कितने में बेचा गया तो अब क्रय मूल्य छः सौ है तो छः सौ का दस परसेंट कितना होता है उतना कम कर देना है हमको छः सौ का दस परसेंट निकाल लो छः सौ का दस परसेंट कितना होगा ये हो गया दस एक का साठ छः सौ का दस परसेंट कितना है साठ है तो छः सौ क्रय मूल्य है इसमें साठ माइनस कर दो ये जीरो और छः चार दस यहाँ बचा पाँच पाँच सौ चालीस तो इस तरह से उत्तर हो गया पाँच सौ चालीस ठीक है तो बहुत ही आसान है यदि आप इसमें जो क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं हानि लाभ क्या होता है ये तो सब पता ही होगा क्रय मूल्य जो उसका बेसिक रेट होता है लाभ होगा तो अधिक में बेचेंगे सौ से ऊपर में और हानि होगा तो सौ से नीचे में बस इतना पता है बेचते हैं उसको बिक्रय मूल्य बोलते हैं यही चार शब्द याद रखना है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या है हानि क्या है लाभ क्या है फिर सब आसानी से बन जाएंगे धन्यवाद आगे वीडियो में मैं आपको और लेके आऊँगा जिसमें विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में और टी में आए हुए लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन को बताऊंगा बने रहिए अगले वीडियो में भी धन्यवाद